मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसल क्षेत्र की शर्त 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है क्षेत्र के निर्धारण बदलाव के इस फैसले के बाद छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पटवारी हल्का स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसल क्षेत्र के प्रावधान को 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दिए हैं। फसल बीमा योजना में क्षेत्र के निर्धारण बदलाव में वन ग्रामों के किसानों के साथ अन्य छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा होगा। अतिवृष्टि और बाढ़ से बर्बाद हुई खरीफ फसल में किसानों के हित को सुरक्षित रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि अब तक राजस्व ग्राम और पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर या उससे अधिक फसल क्षेत्रफल का चयन किया जाता था, जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण योजना में 100 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र नहीं शामिल हो पाते थे। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य सबसे वंचित वर्ग को योजना के माध्यम से अधिकतम लाभ पहुंचाना है। कमल पटेल ने तत्काल वन ग्रामों को निकटवर्ती राजस्व ग्रामों और पटवारी हल्का से संबंध कर उन्हें बीमा लाभ से जोड़ा। हालांकि समय कम रहने से इसका लाभ केवल 2 जिलों सीहोर और हरदा के वन ग्रामों को ही मिल सका। हेक्टर में एक पटवारी हल्के में अगर कोई फसल है, चाहे सोयाबीन हो, उड़द हो, मक्का हो, तुअर हो, गेहूं हो, चना हो, बोया जाता है कम से कम 100 हेक्टर उससे अधिक, तो ही बीमा होता है उस पटवारी हल्के में। और इसलिए हमारे प्रदेश के कई पटवारी हल्के कई किस्म की फसलें जो 50 हेक्टर 100 हेक्टर से अधिक नहीं बोई जाती है, विशेष करके हमारे वनवासी ग्राम में या छोटे गांव के जो डब्बा होता है वहां उन फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। और इसलिए हमने 50 हेक्टर का निर्णय लिया है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कि हम 50 हेक्टर भी किसी की फसल बोई है पटवारी हल्के में तो उसका बीमा होगा। और इसलिए हमारे जो वंचित रह जाते थे फसल बीमा से किसान, उनको भी उसका कवर मिलेगा, कवच मिलेगा सुरक्षा, और उनकी फसल अगर खराब होगी तो फसल बीमा उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। और फाइनेंस ऑफ स्केल का फाइनेंस भी हमने 75 जो कमलनाथ जी ने कर दिया था परसेंट, उसको 100% कर दिया, इससे 100% लाभ किसानों को मिलेगा, उनकी क्षतिपूर्ति पूरी होगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।